हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा इस मुहिम के तहत बहुत ही अमेजिंग थिंग हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारा तिरंगा है चारों तरफ बड़े ही शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। और रियली ये हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है। सभी में रेंडमली निकला हुआ और चारों तरफ का नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कैसे जो हमारा तिरंगा है सभी के छतों पे बड़े हिस्सान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। एंड अभी मैं आपको इससे भी ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट दिखाने वाला हूँ, जिसका थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आए हो। जी हाँ, 3.5 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा, ये तो प्राउडफुल मोमेंट है ही, लेकिन इसके साथ ही इससे भी ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट ये है कि आज का मौसम आप देख ही सकते हो, दिन भर पानी आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, और इस बीच जो लोगों का एक्साइटमेंट आप देखोगे ना, बहुत ही अमेजिंग वाला एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। एंड फाइनली फ्रेंड मैं पहुंच चुका हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़े तिरंगे के फर्स्ट एज पे। तो ये है तिरंगे का पहला छोर और इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर तक जाने वाली है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का एक्साइटमेंट, इतने बारिश में भीगने के बाद भी लोगों का जज्बा आप देख सकते हो, कैसे भीगते हुए तिरंगा को हाथों में लिए हुए चले जा रहे बस चले ही जा रहे हैं। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तिरंगे का पूरा लेंथ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरे लेंथ को हमें देखना है कि कहाँ तक ये तिरंगा गया हुआ है। एंड जो हमारे दोस्त तिरंगा को हाथों में थामे हुए इतने भरी बारिश में, उनके जज्बा के लिए और इस तिरंगे के नाम पर वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एंड आपका भाई जो बारिश में भीगते हुए एंड अपने मोबाइल को बारिश में भिगाते हुए वीडियो शूट कर रहा है, उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक तो कर ही डालें। सभी देखते हैं पूरे लेंथ को एंड एंजॉय करते हैं। फिलहाल यहाँ तक तिरंगा खुला हुआ है, अगर आपने नोटिस किया हो तो टेम्पो में आप देख सकते हो अभी भी तिरंगा का बहुत सारा पार्ट खुलने के लिए बाकी है। ऑलरेडी मैं 5 मिनट से तिरंगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना बाइक दौड़ा रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि तिरंगा का लेंथ कितना ही बड़ा हो। 3.5 किलोमीटर सुनने में ऐसे ठीक है पता है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो कितना ही बड़ा तिरंगा होगा, पूरा खुलने पे क्या ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक रैली देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि अमृत महोत्सव के नाम पे एक अलग ग्रुप रैली निकाला हो। खैर जो भी हो, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी तिरंगों का लहराता हुआ बहुत ही शानदार का नज़ारा देखने को मिल रहा है।
सुपर 75th इंडिपेंडेंस डे के अमृत महोत्सव रूप में देश के कई कोनों में अपने अपने तरीके से वीर शहीदों के नाम पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। सो ऐसे में अपने डिस्ट्रिक्ट यानी झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में भी 3.5 किलोमीटर का तिरंगा विथ ह्यूमन चेन वीर शहीदों के नाम ट्रिब्यूट दिया गया है। और ये ट्रिब्यूट आपको पसंद आया होगा। सो इस ट्रिब्यूट के नाम में वीडियो को एक लाइक तो बनता है एंड कमेंट करके बताया कि आपको ये ट्रिब्यूट कैसा लगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि बैक टू बैक यूं ही मजेदार ब्लॉग आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।